हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कलेक्शन लूप्स को सीखा, किसी भी शीट के ऊपर कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कलेक्शन लूप्स हमने यूज़ की उन शीट्स के ऊपर जो आपकी विजिबल थी, और उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी शीट कोई इनविजिबल होती है तो उस टाइम पे ये जो हमने कोड लिखा है वो अप्लाई नहीं होता। तो आज के सेशन को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी शीट है जो इनविजिबल है तो उसके ऊपर आप कलेक्शन लूप को कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप कोई भी लूप अप्लाई करते हैं, फॉर ईच लूप अप्लाई करते हैं, व्हाइल लूप अप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा विजिबल शीट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है। अगर आप उनको इनविजिबल शीट्स पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आपको एक एरर मैसेज जनरेट करेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो एरर मैसेज क्या होने वाला है और कैसे आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पर आपको VBA से रिलेटेड 3 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिल जाएंगी, जो कि है बिगनर्स के लिए, इंट्रोडक्शन सीरीज़ है, वेरिएबल सीरीज़ है एंड लूप सीरीज़ है। और ये 4th सीरीज़ हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ कलेक्शन लूप्स। तो चलिए इस वीडियो में सीखेंगे कलेक्शन लूप यूज़ करना ऑन इनविजिबल शीट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोड लिखने के लिए हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी अपना एक नया मॉड्यूल। कोड थोड़ा बहुत सेम वैसा ही होगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अगर आप प्रीवियस वीडियो मिस कर चुके हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज आधा से ज़्यादा कोड हमारा सेम ही है। तो सब प्रोसीजर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। देखिए, अगर हम कलेक्शन लूप्स की बात करें तो कलेक्शन लूप क्या होता है, ये कोई अलग से नया कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट आपका लूप्स का ही है। अभी तक आपने लूप में सिंगल वेरिएबल को यूज़ करके बहुत सारे काम करने हमने सीखे, लेकिन जो कलेक्शन लूप का कंसेप्ट है वो यूज़ होता है आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे आपका वर्कशीट है, वर्कबुक है, आपके पाइवट टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे VBA के। तो इनके ऊपर जब आपने लूप्स को अप्लाई करना है तो उसको बोलते हैं कलेक्शन लूप्स। तो इस वीडियो में भी मैं आपको जो कलेक्शन लूप है वो हमारे ऑब्जेक्ट वर्कशीट के ऊपर अप्लाई करना सिखाऊंगी, और देखेंगे हिडन आपकी जो वर्कशीट होगी उस पे आपकी ये लूप कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने लिखा डिम WS एज वर्कशीट। इसका मतलब वर्कशीट मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है WS। इसी वेरिएबल की हेल्प से हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं लूप लिखूँगी, फॉर ईच WS इन वर्कशीट्स। पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर ईच लूप को यूज़ किया है। फॉर ईच लूप मेरी यहाँ से सिलेक्ट हुई है, ये इसकी बॉडी है, और नेक्स्ट आपको पता है हम इसके साथ अप्लाई करते ही हैं फॉर ईच WS इन वर्कशीट्स, जितनी भी वर्कशीट्स हैं। तो WS क्या करेगा, सबसे पहले एक पर्टिकुलर वर्कशीट को सिलेक्ट करेगा। मेरी जो फर्स्ट वर्कशीट है रोज़, वो सिलेक्ट होगी, और
जो इस वर्कशीट का नेम है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, रेंज A1 में, मतलब सेल A1 में उसका नाम जो है वो चला जाएगा। इतना काम तो हम कल वाले वीडियो में भी करवा चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि हर एक इसका मतलब क्या है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है, मेथड क्या है। तो जस्ट मैं अभी इसको रन करूँगी तो देख सकते हैं जितनी भी मेरी शीट्स हैं उनके A1 सेल में उनके रिस्पेक्टिव जो नाम है वो आ चुके हैं। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे मैं एक शीट को ऐड करूँगी, दिस इज शीट नंबर 5, और प्रेजेंटली अभी हम इसको कर देते हैं हाइड। तो शीट मेरी हाइड हो चुकी है, यूज़र को सिर्फ ये 4 ही शीट्स विजिबल हैं। हो सकता है कि मल्टीपल शीट्स आपकी हिडन हों, तो जितनी मर्जी आपकी शीट्स हाइड हों, तो अगर मैं अब इस कोड को रन करूँगी तो देखिए मेरे पास एक रन टाइम एरर आ चुका है जिसमें लिखा है मेथड सिलेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्कशीट फेल्ड। ये एरर तब आता है जब वो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही शीट्स विजिबल हैं, 1/5 शीट है जिसको हमें पता है कि जो कि हिडन है, तो उस 5th शीट के ऊपर हमारा ये WS जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब तक वो शीट सिलेक्ट नहीं होगी तब तक उसका जो नेम है A1 सेल में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शीट की सिलेक्शन से पहले जितनी भी हमारी हिडन शीट्स होंगी उनको हम करवाएंगे विजिबल। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगी WS.visible=, अब देखिए विजिबल है तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गई हैं, एक्सेल शीट हिडन करनी है, वेरी हिडन करनी है, या एक्सेल शीट विजिबल करनी है। हमें इस शीट को विजिबल करना है तो मैं लिखूंगी एक्सेल शीट विजिबल। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जितनी भी शीट्स हिडन होंगी वो सारी की सारी विजिबल हो जाएंगी। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूंगी तो पहले डीबग करके देखते हैं ये करता क्या है। तो मैं F8 की हेल्प से इसको यूज़ करूंगी। तो देखिए सबसे पहले इसने फर्स्ट आपकी शीट को सिलेक्ट किया, दैट इज़ रोज। सिलेक्शन के बाद आपका ये जो शीट का नेम है वो कहाँ चला गया, A1 सेल में। तो सेकेंड टाइम में डेजी सिलेक्शन हुई तो डेजी शीट का नाम आ चुका है A1 में। थर्ड टाइम लूप चलेगी तो आपकी जैस्मिन जो शीट है वो सिलेक्ट होगी और उसका नाम A1 में आ चुका है। एंड फोर्थ टाइम जब आपकी लूप रन हुई तो लिली जो आपका क्लास है वो सिलेक्ट हुआ ये शीट और उसका नाम A1 में आ चुका है। अब टर्न आती है हिडन शीट की, तो नेक्स्ट टाइम अब ये लूप रन हुई है तो देखिए जैसे ही WS.select हुआ आपकी शीट 5 यहाँ पे आकर सिलेक्ट हो गई है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है WS.visible इसने क्या किया, आपकी ये हिडन शीट को विजिबल कर दिया, और WS.select ने क्या किया, इस शीट को सिलेक्ट किया। और जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगी तो आपका ये नेम शीट 5 A1 सेल में आ गया है। अब यहाँ पे आपकी जो लूप है वो एंड हो गई है। तो हमारे पास जितनी भी शीट्स थी, चाहे हिडन थी चाहे आपकी विजिबल शीट्स थी, उन सब का नाम A1 सेल में आ गया है। तो अगर अब आप चाहते हैं कि दोबारा से मुझे इस शीट को हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आप स्टेटमेंट लिखेंगे शीट्स ब्रैकेट में उस शीट का नाम, जैसे आप शीट 5 को हाइड करना चाहते हैं, डॉट उसकी जो विजिबिलिटी है वो हम करेंगे हिडन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सएल शीट हिडन। तो इससे क्या होगा, मेरी जो शीट होगी वो दोबारा से हाइड हो जाएगी। तो अब मैं कोड को दोबारा से रन करूंगी तो जैसे मैंने रन किया तो देखिए शीट नंबर 5 जो है वो हाइड हो चुकी है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपकी जो शीट है वो दोबारा से हाइड हो गई है। आप इस तरह से मल्टीपल शीट्स को दोबारा से हाइड कर सकते हैं।
तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे आप कलेक्शन लूप को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इन केस आपका कोई ऑब्जेक्ट हिडन है, जैसे यहाँ पे वर्कशीट आपकी हिडन थी, तो उस हिडन शीट को आप कैसे विजिबल करेंगे और देन उसके ऊपर आप लूप को अप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक एप्रिसिएशन का कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।